आज है हरियाली तीज। तो हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं आई हूँ अपने मायके। तो आज मैं जाने वाली हूँ घर, तो घर मुझे छोड़ने जाने वाले हैं पापा, और साथ में ही पापा लेकर जाएंगे मेरे तीज का त्यौहार। तो मम्मी कर रही थी यहाँ पर सामान की पैकिंग, जो भी तीज के त्यौहार में मम्मी मुझे सामान भेजती हैं उन सभी सामानों की। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी हर बारी मेरे लिए क्या क्या सामान भेजती हैं तीज के त्यौहार में। कुछ सामान होता है जो कि हमारे यहाँ पर भेजा जाता ही है, और कुछ सामान ऐसा है जो मम्मी अपनी तरफ से पर्सनल सामान भेजती हैं ध्रुव की पसंद का या हमारी पसंद का। वैसे तो मैं मना करती ही हूँ, लेकिन मम्मी मानती नहीं है, क्योंकि ये भी ना एक नाना नानी का प्यार ही होता है जो वो अपनी तरफ से दिखाते हैं हम लोगों को। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या सामान भेजती हैं तीज के त्यौहार में। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ सारा ही सामान। तो ये है तीज का सामान जो भी मम्मी भेजने वाली हैं घर पे। और साइड में सोई है डुग्गू, और यहाँ पर बैठी है मम्मी। डुग्गू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए डुग्गू सोई हुई है। बाकी डुग्गू ने आज पहना है लहंगा, क्योंकि उसको लहंगा पहनने का मन था, हमने उसको लहंगा पहना दिया है। वैसे उसकी फीवर है, बीमार है डुग्गू थोड़ी। और ये है सारा सामान जो कि मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये मट्ठी, मीठी मट्ठी और नमकीन मट्ठी। ये है ये वाले कपड़े हैं मम्मी जी पापा जी के। ये कपड़े हैं दादाजी दादी जी के। ये मेरे और ध्रुव के पापा के कपड़े हैं। ये ध्रुव के कपड़े हैं। ये अरुण के कपड़े हैं। और ये है एक बेडशीट, और ये है एक कॉटन की चुन्नी जो कि हम लोग ओढ़ते ही हैं, तो मम्मी ये भी लेकर आई हैं इस बारी। और ये है मेरा चूड़ा, और इसमें है घेवर। और ये बाकी सामान ना वैसे तो नहीं जाता है, लेकिन मम्मी ने अपनी तरफ से ये हर बारी भेजती ही हैं ध्रुव की पसंद का सामान। तो ये तो हैं जवे, ये पास्ता है, ये बिस्किट है, ये लस्सी है, ये है माजा जो कि ध्रुव को पसंद है, मैगी, ये है पापड़। ध्रुव को पापड़ भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए पापड़ भी मम्मी भेजती हैं। और ये है टमाटो केचप, ये चोकोस हैं, ये कुरकुरे हैं, और ये है मक्खन जो कि मम्मी ध्रुव की पसंद का सामान भेजती हैं। आप लोगों ने देखा ही सारा ही सामान जो कि मम्मी तीज के त्यौहार में भेजती हैं। हर बारी ही मम्मी ये सब सामान भेजती ही हैं। मैं मना भी करती हूँ लेकिन मम्मी नहीं मानती। मम्मी कहती हैं नहीं, तुम्हारे लिए ये सब सामान होता है मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी और कपड़े, बाकी सभी सामान होता है ध्रुव के लिए, क्योंकि ध्रुव को ये सब सामान पसंद है इसीलिए। तो आप लोगों ने देखा मेरे तीज का त्यौहार कुछ इस तरीके से जाता है हर बार। तो मैंने सोचा इस बार आपको मायके में ही दिखा देती हूँ क्या क्या सामान मम्मी पैक कर रही हैं घर भेजने के लिए। अभी मम्मी करेंगी सामान पैक और मैं हो जाऊंगी उतने ही टाइम में रेडी। और पापा गए हैं कुछ बाकी का सामान लेने के लिए, तो इतनी देर में जब तक पापा आएंगे उतनी देर में मम्मी अपना काम करेंगी और मैं और ध्रुव हो जाएंगे रेडी, फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को रेडी होकर ही मिलूंगी। तो चलिए अभी फिलहाल मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय डुगो, डुगो बीमार हो गई। हमारी कैब आ चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। मैं हो चुकी थी रेडी, लेकिन रेडी होने के बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया आप लोगों से बात करने का। और अब हमारी कैब भी आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं घर। और को मैंने बताया ही था पापा मुझे घर छोड़ने जाएंगे। और ये मैंने मेहंदी भी लगा ली है, दूसरे हाथ में मैंने फ़ोन लिया है, मैंने मेहंदी लगा ली थी। बाकी हमारी कैब आ चुकी है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आ चुकी है हमारी कैब, और यहाँ पर बच्चे और भाई कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि ध्रुव घर जा रहा है। तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ध्रुव घर जाए। हम उस लोग उसको बोल रहे थे कि तू यहीं पर रुक जा, लेकिन वो घर भी जाएगा और उसको मामा के पास भी रुकना है। ध्रुव के भी ना अलग ही मन होता है, उसको अपने पापा के पास भी जाना है और मामा के पास भी रुकना है। तो बच्चों का होता ही है, मामा नाना के घर पे अच्छा लगता ही है, वैसा ही ध्रुव के साथ भी है। जब भी वो नाना के घर जाता है तो उसको नाना के घर से आने का मन नहीं करता है, लेकिन उसको पापा की भी याद आती है। तो बच्चों का होता ही है, उन्हें दोनों जगह पे ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं कैब में, हम लोग घर पहुँचेंगे, फिर घर पहुँच कर आप लोगों से मिलेंगे। और यहाँ पर भाई और दीदी सभी लोग देख रहे थे हमें जाते हुए, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग घर जा रहे हैं। मामा की याद नहीं आएगी? आएगी। कितनी याद आएगी? पाँच। पाँच क्यों? मासा की
मासा की, मासा भी, मोमो की, मयूर की, मयूरजा की, आई की, डुगो की, आई की, माँ की, आई की, सबकी याद आएगी। हाँ। फिर तो जा क्यों रहा है? तेरे आज कॉलेज से चल रहा है। डैड ने तो बोला नहीं मैं तुझे याद कर रहा हूँ। कब बोला था? ये घर ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है दिखाई जरा? क्या ये? ये क्या बनाया तूने? पक्का। पक्का? ठीक है। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर पहुंचते ही ध्रुव की शैतानियां है ना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ध्रुव को ना घर पहुंचकर कुछ ज़्यादा ही अलग माहौल मिल जाता है, क्योंकि 2 से 3 दिन तो ध्रुव की शैतानियां जो भी होंगी ना सबको अच्छी लगेंगी ही, क्योंकि ध्रुव आया है बहुत टाइम में घर, तो इसीलिए ध्रुव की शैतानियां बढ़ जाती हैं घर पे आके, क्योंकि घर आते ही ना कोई भी उसको डांटता नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर पापा के लिए लगा दिया है नाश्ता, पापा करेंगे नाश्ता उतने टाइम में ही, जो भी सामान पापा लेकर आए हैं 30 के त्यौहार का वो मैं मम्मी जी को दिखाऊंगी, और जो भी चीज़ें हमारे यहाँ पर की जाती हैं मम्मी जी सामान देखेंगी, और जो भी सामान आता है वो हमारे यहाँ पर बांटा जाता है तो मम्मी जी वो सामान बांटेंगी भी। बाकी अभी फ़िलहाल मम्मी जी देख रही हैं सामान जो भी मम्मी ने भेजा है तीज के त्यौहार का, वैसे तो आप लोगों ने देखा ही था, फिर भी जैसा मम्मी देख रही हैं आप लोग भी एक बार ही देखिए जो भी सामान मेरे तीज के त्यौहार में आया है वो। अब आ चुके थे ध्रुव के फ्रेंड भी, तो ध्रुव के फ्रेंड और ध्रुव सभी लोग करेंगे एंजॉय, जो भी ध्रुव के लिए चीज़ें आई हैं खाने की वो सभी बच्चे खाएंगे एंजॉय करेंगे। बाकी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि पापा के खाना लगाना है इसीलिए, और बच्चे जो भी उनकी चीज़ें थी वो बच्चे खा चुके हैं, बाकी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, उतने ही टाइम में बहन ने बना ली थी रोटी, पापा के लिए खाना लगा देंगे, सब्जी पहले से ही रेडी थी, बाकी पापा खा लेंगे खाना फिर पापा जाएंगे घर। हम लोग आ चुके हैं फाइनली घर, और ध्रुव के फ्रेंड सारे ही आ चुके हैं ध्रुव के साथ खेलने के लिए। आप लोग देखिए ध्रुव भी ये रहा, ये है लाली, ये है मिस्टी, और ये है डेजी। डेजी को तो आप लोग जानते ही हो, मिस्टी और डेजी हैं ध्रुव की बहन। तो हम लोग घर आ चुके हैं, आपने आज का पूरा ब्लॉग देखा ही मेरा, मेरे मायके से लेके ससुराल तक का। आप लोगों का आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय करो। बाय।